अगर आप भी पौधे लगाने के शौकीन हैं तो किसी तरह ये समय निकाल करके ये सारे पौधों की कटिंग्स अभी लगा लेंगे तो आपके गार्डन में सालों साल चलने वाले पौधे होते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो कुछ पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, तो अभी सितंबर जाने से पहले आप ये सारे पौधों की कटिंग्स भी फटाफट लगा लीजिए और अपने गार्डन को प्लांट से, पौधों से, फूलों वाले पौधों से, कलरफुल पत्तियों वाले पौधों से भर लीजिए। अगर अभी नहीं लगाएंगे तो आपको अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फटाफट 30+ ऐसे परमानेंट पौधे की कटिंग से भी लगा लेंगे तो आपके गार्डन में सालों साल ये बने रहने वाले पौधे होते हैं। कटिंग से बस इसको आप लगाते रहिए, आपके गार्डन से जाने वाले नहीं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये है वर्बीना का पौधा, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, पेरेनियल वर्बीना है। एनी टाइम ये फ्लावरिंग करता रहता है। ये कई कलर में आते हैं, पर्पल कलर में, वाइट कलर में। कटिंग से बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, इसे आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद दोस्तों, पर्सलिन का पौधा भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, भर भर के फ्लावर आते हैं इसमें। अगर आप इसकी कटिंग्स अभी लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, लगा सकते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको आप सेव करके अगले साल के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अभी ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसकी ढेरों सारी कटिंग्स लगा करके अपने गार्डन को फूलों से भर लीजिए, क्योंकि ये बम्पर फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। 3-4 दिन में ही इसकी में जड़ें भी बन जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, ये है मॉस रोज का पौधा, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसमें कलर काफ़ी ढेर सारे मिलते हैं आपको देखने को, और बम्पर फ्लावरिंग होती है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसको भी अगर आप सेव करना चाहते हैं या नए नए बास्केट बनाना चाहते हैं तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये भी अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करने वाला पौधा भी है। अभी आप कटिंग से इसके ढेरों सारे प्लांट रेडी कर लीजिए, मिक्स कलर, अलग अलग कलर्स में लगाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी कलरफुल पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, वाइन की तरह होती है। इसकी जो बेल होती है काफ़ी लंबी होती जाती है और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लगती है, फूलों की कमी को मात देता है। आपके गार्डन में अगर फूल वाले पौधे नहीं हैं तो इसे आप ज़रूर लगाइए, बहुत आसानी से कटिंग से लग जाती है। इसमें देख सकते हैं एरियल रूट्स भी बनी हुई है, छोटी छोटी स्टेम कटिंग से भी ये लग जाती है। तो इसकी कलरफुल पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी जो वाइन लटकती हुई देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, किसी वेस्ट बॉटल में, डिब्बे में आप लगा करके कहीं इसको हैंग कर देंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके बाद दोस्तों, ये है परमानेंट प्लांट, जेट प्लांट, लकी प्लांट, इसे आप ज़रूर लगाइए। इस समय ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, छोटी छोटी मोटी मोटी इसकी पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसकी आप टोपियारी, बोनसाई कुछ भी बना सकते हैं, पिकॉक का शेप दे सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे वेस्ट डिब्बों में, बॉटलों में बहुत ही आसानी से यह कटिंग से ग्रो हो जाता है, एनी टाइम इसकी कटिंग से लगती है। और ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए, नर्सरी से लाकर या कहीं से भी लाकर के इसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये है ग्रीन पत्तियों वाला, ये अजवाइन का प्लांट, बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल भी आती है और इसके जो पत्तियां होती हैं बहुत थिकनेस होती हैं, रोएदार होती हैं, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसकी आप पकौड़े भी बना करके खा सकते हैं। और इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है, इसे आप वेस्ट बॉटल में या हैंगिंग बास्केट में कहीं भी इसको लगा देंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, हरियाली ऐड करेगा आपके गार्डन में। और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है, ना ही पानी की भी ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों, ये है फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटोनिया, ये परमानेंट प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये भी लग जाता है, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत जल्दी इसमें भी जड़ें बन जाती हैं। और ये इसमें आपको कलर्स, कई कलर्स मिल जाएंगे, जैसे पिंक हो गया, ब्लू हो गया और वाइट हो गया, तो कोई भी कलर आपके पास है या मांग कर कहीं से भी आप ला कर के इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जब हमारे गार्डन में ऐसे रंग बिरंगे पौधे हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है हमारा गार्डन। तो ये है दोस्तों स्पाइडर प्लांट, काफ़ी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, वेरीगेटेड पत्तियाँ देख सकते हैं, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं इसे आप। इसमें रनर्स निकलते हैं, रनर से बहुत उसमें बेबी प्लांट सब बने रहते हैं, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं कटिंग से। उसके बाद दोस्तों, आप नियोन पोथोज हो या कोई भी पोथोज हो, मनी प्लांट, इसे भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। अगर अभी नहीं लगाएंगे तो ये विंटर में डोरमेंसिन चला जाता है, उस समय
कटिंग से नहीं लगता है दोस्तों। तो अभी आप इसके ढेरों सारे प्लांट्स तैयार कर लीजिए कटिंग से। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, आपके गार्डन में चार चांद लगा देंगे। इसकी पत्तियाँ रंग बिरंगी पत्तियाँ इसकी देख सकते हैं, मतलब वेरीगेटेड पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो इसे आप कटिंग से ज़रूर लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है कलरफुल पत्तियाँ, रंग बिरंगी पत्तियों वाला पौधा कोलियस का प्लांट। इसमें कई वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे। और कलर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें ढेरों सारे कलर्स होते हैं, सिंगल कलर डबल कलर मिल जाते हैं। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। ये कटिंग से आप लगाते रहेंगे तो आपके गार्डन में सालों साल चलने वाला पौधा होता है। एक बार लाएंगे नर्सरी से तो बार बार फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस इसको कटिंग से आप सेव करते रहिए। और इसको घना बनाने के लिए आप पिंच करते रहेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल आपका घना ये प्लांट हो जाता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आपके गार्डन में फूल वाले पौधे नहीं हैं तो ये ज़रूर पौधा लगाइए आप, क्योंकि ये बिना केयर के बिना फर्टिलाइज़र के चलने वाला प्लांट होता है। इसमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस इसमें टाइम टू टाइम आप पानी डालते रहिए, रोज़ाना पानी की ज़रूरत होती है। इसमें कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा नीड नहीं होती है, ना ही इसमें धूप की ज़रूरत होती है ज़्यादा, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में कलरफुल पत्तियाँ। तो ये ज़रूर कटिंग से आप लगाइए, ये महंगे प्लांट मिलते हैं 50-60 रुपए में। उसके बाद दोस्तों रियो का प्लांट आप ज़रूर लगाइए, इसकी कलरफुल पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, नीचे से पर्पल ऊपर से ग्रीन, और बहुत जल्दी ये बास्केट को कवर कर लेता है, गमले को भर लेता है। आप एक पौधा लाएंगे तो आपके गार्डन में ये हज़ारों की संख्या में ये हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये गमले को भर लेते हैं। बेबी प्लांट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत जल्दी गमला आपका भर जाएगा और आप दूसरों को भी बांटते थक जाएंगे, लेकिन ये बेबी प्लांट देता रहता है। तो इसे ज़रूर लगाइए कटिंग से। उसके बाद दोस्तों आप पेडिलेंथस के प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये मेरे पास दो वेराइटीज़ है, एक ग्रीन पत्तियों वाली है, एक वेरीगेटेड पत्तियों वाली है। तो कोई भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं इसकी पत्तियाँ। और जब भी इसकी कटिंग्स लगाएं दोस्तों तो इसको कट करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख दें, फिर उसके बाद इसकी कटिंग्स लगाएंगे तो 100% लगेगी। उसके बाद दोस्तों आप ये मेडिसिनल प्लांट इंसुलिन प्लांट की भी कटिंग्स से लगा सकते हैं। ये राइजोम से और कटिंग से दोनों तरह से ग्रो जाता है, इसमें फ्लावर भी खिलते हैं। मेरे जो इंसुलिन के प्लांट है उसमें वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं दोस्तों, कलियां भी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई हैं, और इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। और ये मेडिसिनल प्लांट है, इसकी जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप सब ज़रूर लगाइए ये पौधे। उसके बाद दोस्तों आप ये ग्रीन पत्तियों वाला अल्टरनेंथ्रा, चाहे तो रेड पत्तियों वाला या कोई भी अल्टरनेंथ्रा की वेराइटीज़ हो आप लगा सकते हैं। वैसे इसमें ढेरों सारी वेराइटीज़ होती हैं, एक छोटी छोटे पत्तों वाली होती है, एक बड़े पत्तों वाली होती है। मेरा गोल पत्ते वाला है ये ग्रीन, और ये जो है ये रेड पत्तियों वाला है दोस्तों। और ड्रेजीना की भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये भी पत्तियों वाला प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये सारे पौधे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और छाए में इंडोर रखने वाले ये पौधे हैं। उसके बाद दोस्तों आप पर्पल हार्ट को भी कटिंग से लगा सकते हैं, ये जो हैंगिंग बास्केट में या छोटे छोटे प्लांटर्स में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कहीं भी इसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। छोटी छोटी कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, और इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी खिलते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। अगर इसको छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन हो जाती हैं, धूप में रेड हो जाती हैं, पर्पल हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये है वैंडरिंग जीव का पौधा, ये भी इसकी कलरफुल पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, अगर किसी गमले में ये गिर भी जाए तो वहाँ से भी ये जड़ें बना लेती है। उसके बाद दोस्तों ये है झंट का पौधा, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगता है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा होता है, अगर आपके पास है तो आप इसे लगा सकते हैं। इसे वज्रदंती भी शायद कहते हैं, मुझे शायद नाम नहीं, मैंने बस यही झंट का नाम ही सुना है। तो यहाँ से एरियल रूट से बने रहते हैं दोस्तों, तो कटिंग से आप बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। सीड भी बनाता है वैसे, ये सीड से भी ये ग्रो हो जाता है, लेकिन मैंने सीड से ग्रो किया था, सीड से नहीं ग्रो हुआ है। तो इस बार मैंने सोचा स्टैम से ही इसकी कटिंग्स को लगाया जाए, तो स्टैम कटिंग इसमें बारिश के मौसम में कोई भी कटिंग्स हो बहुत ही आसानी से लग जाती है, उसमें रूट्स बहुत आसानी से बन जाती है, तो इसे आप कटिंग से ज़रूर लगाइए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये कलरफुल पत्तियों वाला पौधा एरेंथीमम का है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। और
ये आपको नर्सरी में या कहीं भी आपको मिल जाए तो इसकी छोटी सी कटिंग्स ला करके भी आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके कलरफुल पत्तियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ये कटिंग से आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा पौधा होता है। उसके बाद अगर आप क्रोटोन के शौकीन हैं तो कलरफुल पत्तियों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो क्रोटोन को ज़रूर लगाइए दोस्तों। इसकी जो पत्तियां होती है छींटदार होती हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। कलर की बात करें तो इसमें ढेरों सारे कलर वेराइटीज़ मिल जाएंगे आपको और प्राइस भी उसी के हिसाब से होती है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये पत्तियों वाला पौधा, ये है चाइनीज़ वायलेट का प्लांट। इसकी पत्तियां देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसमें वायलेट कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। इसमें अक्टूबर नवंबर से फ्लावरिंग शुरू होगी और इस समय अगर फ्लावर भी नहीं आते हैं तो भी इसकी पत्तियां देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, फूलों को भी मात देने वाला ये पौधा होता है। तो उसके बाद दोस्तों ये है स्नो एग्लोनिमा, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की कोई भी वेराइटी हो उसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास दो वेराइटीज़ है तो कोई भी एग्लोनिमा हो आप उसे कटिंग से लगा सकते हैं, डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और नीचे से स्टेम कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, मैंने स्टेम कटिंग से भी लगाया है दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। एक और कलरफुल पत्तियों वाली प्लांट की बात करें दोस्तों तो ये है सिंगोनियम का प्लांट। इसमें भी आपको कलर ढेरों सारे मिल जाएंगे, वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी और अगर आप इंडोर पौधा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये पौधा है आपके लिए। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, इसमें देख सकते हैं एरियल रूट्स कितनी लंबी लंबी सी बनी हुई है और इसमें एरियल रूट्स बने रहते हैं पहले से, कटिंग्स लगने में टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से लग जाती है। ये पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, सैंड में भी लगा सकते हैं, किसी तरह से इसे आप प्रोपागेट कर सकते हैं, चाहे तो इसे छाए में रखिए या हल्की फुल्की धूप में रखिए। ये पौधा ख़राब नहीं होता है, सालों साल चलने वाला ये पौधा है, एक बार लाएंगे नर्सरी से तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप ये लालसा का प्लांट भी लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इसकी पत्तियां लगती है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। वैसे ये रोड साइड किनारे या पार्क में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से मांग कर या कटिंग चुरा करके ला करके इसमें लगा लेंगे तो बहुत ही इजीली ये कटिंग से लग जाएगी, 3-4 दिन में ही इसमें जड़ें बन जाती हैं। और इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या हैज के रूप में लगा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है ये भी पौधा। और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है दोस्तों, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है, छोटी छोटी कटिंग से लगने वाला ये पौधा है, इसे आप ज़रूर लगाइए कहीं से भी ला करके। और विनका, सदाबहार विनका जो होती है दोस्तों, ये सीड से और कटिंग से दोनों तरह से ग्रो होती है, हाइब्रिड विनका हो या देसी विनका हो। ये जो हाइब्रिड विनका है दोस्तों ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, मैंने कटिंग से ढेरों सारे प्लांट इसके तैयार किए हैं और इसको आप कटिंग से सेव करते जाएंगे तो आपके पास से सालों साल चलने वाला पौधा होता है, सीड से भी बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और फूल वाले प्लांट हो या पत्ती वाले प्लांट, इसकी बात हम क्यों ना करें दोस्तों, ये है एग्लिफा का प्लांट, इसमें फूल भी खिलते हैं और इसकी कलरफुल पत्तियां भी होती हैं। ये मेरा ग्रीन पत्तियों वाला है, वैरायटीज़ इसमें ढेरों सारे आते हैं तो इसकी कलरफुल पत्तियां भी आती हैं दोस्तों, और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगते हैं, मैंने इसको कटिंग से ही लगाया है और इसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं रोएदार, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, तो इसे आप ज़रूर कटिंग से लगाइए। ये आपको रोड साइड किनारे या पार्क में हर जगह मिल जाएंगे। और ये है दोस्तों एक रेड अल्टरनेंथ्रा, इसकी वेराइटीज़ ढेरों सारी होती है, मैंने भी आपको दो वेराइटीज़ पहले ही दिखाया था दोस्तों। ये छोटे पत्तों वाला है और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, हैंगिंग बास्केट में लगाए या छोटे छोटे गमलों में लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है, हैज के रूप में भी आप इसे बाउंड्री के किनारे लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं एरियल रूट्स भी बने रहते हैं और कटिंग से इसकी 1-2 दिन में ही इसमें जड़ें बना लेते हैं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग से इस समय लगती है बारिश के मौसम में, अगर आज लगाएंगे तो कल निकाल कर देखेंगे दोस्तों तो इसमें जड़ें भी बने रहेंगे, बहुत ही जल्दी इसमें जड़ें बनती है और इसकी कटिंग 100% लगती है। और ग्रीन पत्तियों वाले प्लांट की बात करें दोस्तों तो ये है चैन प्लांट, बास्केट प्लांट, ये हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसकी लटकती हुई ब्रांचेज, इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में, मोटी मोटी होती हैं। और उसके बाद दोस्तों ये है एयर प्यूरीफाइड प्लांट, जीजी प्लांट, ये है, ये पत्तियों से और कटिंग से बल्ब से तीनों तरह से इसे ग्रो किया जाता है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ये ग्रो होता है। तो
ये बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है, इंडोर वाला प्लांट है, घर के अंदर आप इसे रख सकते हैं। ये पत्तियों से भी मैंने लगा करके रखा है, इसको मैंने कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत महंगा ये मिलने वाला प्लांट होता है, एक एक पत्तियों से आप अगर इसे ग्रो कर लेंगे तो आप ढेरों सारे पैसे बचा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है फ्लावरिंग प्लांट कनेर का, ये भी आपको रोड साइड किनारे या कहीं भी आपको मिल जाए तो आप इसे ला करके लगा सकते हैं। इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है, बिना समय गंवाए इस समय ज़रूर लगाइए सितंबर के मंथ में, नहीं तो फिर आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्यों अगले साल का हम वेट करें, अभी क्यों ना फटाफट इसकी कटिंग से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर लें। आपके पास अगर हाइब्रिड कनेर हो या देसी कनेर हो, कोई भी कनेर, आप इसे कटिंग से ज़रूर ग्रो करिए। उसके बाद दोस्तों ये है पीस लिली, इंडोर प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये भी महंगे मिलने वाला पौधा होता है, 150-250 रुपये में, लेकिन मैं लेकर के आई थी दोस्तों। और इसमें फ्लावर नहीं आते हैं तो भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये मैंने कटिंग से ही लगा करके रखा है, इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो गई है, जड़ें भी इसमें बन गई। तो फटाफट सितंबर जाने से पहले आप ये सारे पौधों की कटिंग से भी लगा लीजिए। अगर आपके पास है या नहीं है तो आप कहीं से मांग करके या चोरी करके या नर्सरी से ख़रीद करके भी ला करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट है, सालों साल चलने वाले प्लांट है, तो ज़रूर लगाइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय।